दिल्ली एनसीआर में रविवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली के साथ ही नोएडा और गाजियाबाद में रविवार को धरती हिली है। उधर हरियाणा के कई हिस्सों में भूकंप आया है। इससे पहले 3 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके लगे थे। भूकंप की तीव्रता इतनी जोरदार थी कि लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। हालांकि भूकंप में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप की तीव्रता 3.1 थी। भूकंप के झटके शाम 4:08 पर महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हरियाणा का फरीदाबाद बताया जा रहा है। रविवार को छुट्टी होने की वजह से लोग अपने घरों में ही थे, लेकिन जैसे ही धरती हिली लोग अपने घरों से बाहर भागे। भूकंप का केंद्र हरियाणा का फरीदाबाद था। झटके इतने तेज थे कि लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप की कंपन को एनसीआर के फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में महसूस किया गया। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार भूकंप कब और कैसे आता है। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जहाँ से ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं वहाँ जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्टरबेंस के बाद भूकंप आ जाता है। भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूवर्गीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन ज्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति जैसे जैसे दूर होती जाती है इसका प्रभाव कम होता जाता है। फिर भी अगर रिक्टर स्केल पर 7 या इससे अधिक की तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में झटका तेज होता है। लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकंपीय आवृत्ति ऊपर की तरफ है या दायरे में। यदि कंपन की आवृत्ति ऊपर होती है तो कम क्षेत्र प्रभावित होता है। भूकंप की जाँच रिक्टर स्केल से होती है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। भूकंप को इसके केंद्र यानी एपिसेंटर से मापा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से जो ऊर्जा निकलती है उसकी तीव्रता को इससे मापा जाता है। इसी तीव्रता से भूकंप के झटके की भयावहता का अंदाजा भी लगाया जाता है। दिल्ली एनसीआर में कुछ दिनों पहले भी करीब 6 के आसपास की तीव्रता का भूकंप आया था जिसका केंद्र नेपाल था। कुछ दिनों के बाद फिर से तेज झटकों ने लोगों को डरा दिया। संडे होने के चलते जैसा कि लोग घरों में ही थे तो ऐसे में घरों से निकलकर लोग बाहर आ गए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से लोग सड़कों और पार्कों में खड़े दिखे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।